अज की जड़ी तिरंगा यात्रा ही वो नगरोटा विधानसभा क्षेत्र च ही जिस तुम दिखा करते हो कि साढ़े भारतीय जनता पार्टी के बड़े ही सीनियर लीडर और साढ़े इस विधानसभा क्षेत्र के पूर्व विधायक दविंदर सिंह राणा साहब जड़े न वो इस कार्यक्रम की उन्हें आयोजित किया है और बड़ी धूमधाम कने इस तिरंगा यात्रा की जड़ा या कढ़िया है जेदा सहयोग और साथ साढ़े इस क्षेत्र के सारे कार्यकर्ता जड़े है उन्हें किट्ठे हुए है इस तिरंगा यात्रा जड़ा हिस्सा लिया है। साथियों तिरंगा यात्रा दे कने कने गए देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने आख्या इस कार्यक्रम च ये 12, 13, 14 और 15 इन्हें चौं दिनों च साढ़े कई किस्म के कार्यक्रम जड़े न देश वास्ते रोने न लेकिन ये कने कने गए वो शहीद जिन्हें देश वास्ते अपने प्राण दे दिते जिन्हें देश की सुरक्षा वास्ते अपने प्राणे की बाजी लाई उड़ी है उन्हें शहीदें भी याद करना है जिन्हें आजादी दिलाई है और फिर ओदों कोला अलावा भी अज भी देश की सुरक्षा करते हुए वो कुसै भी बार्डर उपर हो चाहे कुसै युद्ध च हो चाहे वह 47 च हो 65 च हो 71 च हो 72 च हो या कि करगिल के युद्ध के दौरान जोड़े नौजवान शहीद हो उन्दे जड़े शहीदी स्थल समारक स्थल बने दे उन्दे समारक स्थलों पर जाना है उसकी साफ सफाई करनी है आते शहीद का मान सम्मान करते हुए वह माला अर्पण करना है। वो अलावा वो शहीद के परिवार वाले लोगों की भी मिलना है और उन्हेंगी भरोसा भी दिलाना है और वो पर खरा भी उतरना है कि भाई देश देश की जनता और सारे जड़े हैं ना थोड़े इस परिवार कने शाना बशाना सहयोग करने थोड़े कने चला करने हैं। लेकिन मुझे अच्छा लगा कि भाई भारतीय जनता पार्टी का जड़ा नगरोटा विधानसभा क्षेत्र और विशेष तौर पर यह जड़ा डंसाल ब्लाक है डंसाल ब्लाक के प्रेजिडेंट साहब ने इन्हें अच्छी मेहनत करी है इस कार्यक्रम की सफल करने प्रयास किया और सफल हुए न और विशेष तौर पर साढ़े इस क्षेत्र के जिन्हें भी भारतीय जनता पार्टी के और भारतीय जनता पार्टी को अलावा जो समाज सेवक भी हैं जिन्हें इस यात्रा हिस्सा लिया मैं उन्होंने आभार प्रकट करगा ही लेकिन विशेष तौर पर मैं दविंदर सिंह राणा साहब का भी बड़ा आभारी हाँ कि उन्हें इस मौके पर सारे की किट्ठे करिए इस यात्रा का जोड़ा या प्रारंभ किया और इस यात्रा की सफल किया। असें की सारे की चाहिए है कि अस सारे कट्ठे हो इस देश की सेवा करचै इस देश अपने प्राणने की बाजी भी अगर लानी पवे तो लाई देचै क्योंकि कुछ ऐसे ताकत हैं जड़िया चाहदियां कि इस देश की तोड़िया जा और विशेष तौर पर जम्मू कश्मीर जड़ा अमन और शांति भंग किया जा असें उन्दे कोला भी बचना है और विशेष तौर पर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी और उनकी जड़ी टीम है वो अज इस देश वास्ते एक कोला एक बढ़िया कदम जड़ा है देश हित च पुट्टा करती है देश की मजबूत करा करती है देश की शक्तिशाली करा करती है और देश की आर्थिक स्थिति च भी मजबूती जड़ी है वो ला कर दिन एदे कोला अलावा भी असे सारे का यह फर्ज बनता है कि अस अपने जेड़े एक दूए कन्ने कोई भेदभाव भी है या कोई दूरियां भी हैं या कोई मतभेद है या कोई दुई पार्टी का सदस्य है सारे की कट्ठे होइए चलाना है इस देश की जड़ा है वो विकास देश बनाना है और अगे ले जाना है। अज जेड़ा दुनिया दिखा करती है अज जेड़ा देश दिखा करता है अज जेदी वजह ने ये जेड़े अपोजिशन दे जिन्हें भी घटक दल हैं ये दिखा करते हैं उन्हेंगी ओदे ने परेशानी हुई है क्या कि भाई देश के प्रधानमंत्री जी की लोकप्रियता दिन ब दिन बदी याद करती है देश दे देश दुनिया में भी जड़ा है नरेंद्र मोदी का जड़ा है डंका अज बजा करता है और साथियों वास्ते दिखा करने
असें गी लब्भा करदा है, जिहड़े विश्लेषण आए करदे न, जिहड़े सर्वे आए करदे न, जिहड़ी दुनिया दी राय बना करदी है, जिस कसम कन्ने दुनिया विश्व दे बड़े बड़े जिहड़े देश न वो भारत देश आसे पासे दिखा करदे न, और इहदे च कोई दो राय नहीं है कि 2024 विच दोबारा नरेंद्र भाई मोदी जिहड़े न मजारती कन्ने जिहड़े है दोबारा नहीं बनाउंदे। मैं तुहाडा सारिआं दा वी बहुत शुक्रिया अदा करदा। अज आ सारे जिहड़े इकट्ठे होए ने आ, अस देश दे लई इकट्ठे होए, 2024 दी लड़ाई देश दी लड़ाई, देश की मजबूत करना, देश की विश्व गुरु बनाना, ये साड़ा फर्ज है, और इस फर्ज दे विच साढ़े तरफा कोई कोताही नहीं होनी चाहिए। बड़िया ताकत हैं जिहड़ियां देश की कमजोर करना चाहिए। सारी दुनिया जानती है कि अगर आज भारत अग्रसर होआ दा वो नरेंद्र भाई मोदी साहब के नेतृत्व में उनकी नीतियों कन्ने और उनकी दूरअंदेशी, और इसलिए साड़ा सारे का फर्ज बनता। जात बरादरी मजहब तो उपर उठी अस सारे इकट्ठे होइए देश की मजबूत, और देश मजबूत तो होएगा जो नरेंद्र भाई मोदी साहब 2024 दोबारा प्राइम मिनिस्टर बनते हैं, और प्राइम मिनिस्टर बनिए हिंदुस्तान के अगे लेइए जाते हैं। जुगल जी तुम उनकी टीम के मैंबर हो, मैं तुम्हें आश्वासन दवाना चाहना कि अस सारे इकट्ठे होइए 2024 की इलेक्शन तुम दसी उड़ा कि देश की मजबूत करने हर आदमी जम्मू कश्मीर का जोड़ा है नरेंद्र भाई मोदी और तुम्हारे सारी टीम के कन्ने खड़ा है और खड़ा रहेगा और आप पाँच अगस्त 2019 के बाद जो बदलाव आया जम्मू की मजबूती मिली। कई लोग आ रहे जम्मू की क्या मिले, 70 साल असें कश्मीर की गुलामी की, आज कश्मीर की पता है कि फैसला जम्मू जो होएगा फैसला कश्मीर नहीं होएगा, जम्मू कश्मीर का फैसला जम्मू तो होएगा। और आने वाले समय तो दिखोगे पार्लियामेंट्री इलेक्शन के बाद जिस भी इलेक्शन होंगे इतने जम्मू की हुकूमत बनेगी, बीजेपी की हुकूमत बनेगी, तोड़ी हुकूमत बनेगी और तोड़ा राज होएगा। ये मैंने बहुत 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 शुक्रगुजार हाँ, मैं चरने की धूल हाँ और थोड़ा शुक्रगुजार हाँ सारे का, और मंडल अध्यक्ष जी थोड़ा थोड़ी सारी टीम का और सारे का साथी जिन्हें आए, इन्नी शार्ट नोटिस पर कल ही दोपहरी प्रोग्राम बनया और तो सारे आइए, थोड़ा बहुत बहुत धन्यवाद। मैं डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट ओमी खजूरिया साहब की तरफा, प्रदेश अध्यक्ष रविंदर रैना साहब की तरफा, और जुगल किशोर शर्मा साहब मैंबर पार्लियामेंट जो इतने के साढ़े नेता भी हैं और इतने के MLA भी रहे MP भी रहे उनकी तरफा और अपनी तरफा थोड़ा सारे का बहुत 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 शुक्रिया। देखिए ये देश का मान सम्मान है, ये उन शहीदों का सम्मान है जिन्होंने हमें आज़ादी दिलाई, और आज इस तिरंगा रैली में हमारे विधायक जुगल किशोर जी जो जम्मू पुंछ लोकसभा से सांसद हैं, हमारे पूर्व विधायक देवेंद्र सिंह राणा जी जिन्होंने आकर इस तिरंगा रैली की अगवानी की, और जहां के नगरोटा विधानसभा क्षेत्र के और ब्लॉक डंसाल के जितने भी ये लोग थे उन्होंने इस तिरंगा रैली में शिरकत की, और आज की इस तिरंगा रैली से ये एक बहुत बड़ा संदेश जो है जो उन शहीदों के प्रति और इस देश के प्रति, इस देश के मान सम्मान के प्रति और हमारे तिरंगे झंडे के प्रति जो हमारे देश के प्रति का गौरव है, हमारी एकता अखंडता का गौरव है, भारत माता की गौरव का प्रतीक है, और हम इस तिरंगे झंडे को सलाम करते हैं, और इस देश का हर जन जन हर वासी इस तिरंगे के लिए समर्पित है और समर्पित होना चाहिए। हम आज की इस तिरंगा रैली से यही कहना चाहते हैं कि देश के हर कोने में तिरंगा रैली जो निकलनी चाहिए और देश की एकता और अखंडता का जो एक संदेश है वो सबको जाना चाहिए। भारत माता की जय, वंदे मातरम, वंदे मातरम। Yeah.
के व्हाट्सएप पर व्हाट्सएप करिए हाय 9728253663 पर।